चैनल फूड पॉकेट। भयंकर गर्मी में हमें चाहिए थोड़ी सी राहत, तो उसके लिए हमें चाहिए कोई ठंडा ठंडे चीज़ पीने की मन करता है। तो आज हमारी फूड पॉकेट की किचन में बनने जा रहा है एक ठंडे चीज़ें जो कि पुदीने और लेमन से बनी हुई है, पुदीना और नींबू की शरबत। आइए फिर बनाने चले। पुदीने की शरबत बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए एक कटोरी पुदीना ली हूँ। और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये ग्राइंडिंग जार लेके इसको इसमें डालेंगे और इसको आइस के साथ इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा आइस डाल के हमें इसमें इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमने पुदीने के पत्ते को अच्छे से आइस डाल के पीस लिए है। आइस हमने क्यों डाला, क्योंकि इसकी कलर एज इट इज़ रहेंगे ऐसे ग्रीन कलर। और आइए फिर बनाते हैं शरबत। यहाँ पर ना मैं एक कढ़ाई ली हूँ और जिस कटोरी की नाप से हमने पुदीना लिया था उस कटोरी की नाप से, जैसे एक कटोरी मैंने लिया था पुदीना, तो इसमें दो कटोरी चीनी जाएंगे। ये कटोरी हमने डाला है और एक कटोरी में डाल रही हूँ। और इसमें हम उसी कटोरी की नाप से ना चार कटोरी, मतलब दो कटोरी चीनी हमने लिया है, चार कटोरी हम पानी इसमें डालेंगे। पानी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, चीनी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें चार डालती हूँ। हमें ना ये चीनी को पानी में इसको अच्छे से घुलने देना है और ये थोड़ा उबाल आने दीजिए, इसको मिक्स हो जाने दीजिए। इसको हम क्या करेंगे, एक तार दो तार जैसे बनती है ना हमारी चाशनी, तो हमें इसको आधे तार की बनानी है। जैसे हल्का सा हाथों में लेके आप देखो कि चिपचिपा आ रहा है, उस तरह बनानी है। ज़्यादा जैसे एक तार की हमें नहीं बनानी है। जब तक चाशनी बन रही है हम यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1.5 टेबल स्पून में ली हूँ ये ब्लैक सॉल्ट, और इसमें हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून काली मिर्च की पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। और इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। इनको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे से चीनी डिज़ोल्व हो चुका है और इसमें हमारी जो पुदीना वाला हमने जो पीस के रखा था ना, इसको हम धीरे धीरे इसमें डालते हैं। हमें इसे ना 10-15 मिनट के लिए इसको अच्छे से ना हमें बॉयल करनी पड़ेगी। थोड़ा सा उबाल आने दीजिए इसमें, फिर इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। और आइए इसे ना हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये हमारा पुदीना और नींबू की जो मिक्सचर है उसकी देखिए शरबत बनके तैयार हो चुका है। ये ठंडा भी हो चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, अभी ये मैं नींबू का जूस दे रही हूँ। ये ज़्यादा से 4-5 बड़े बड़े नींबू के रस होंगे, तो इसको हम इसमें पहले डालते हैं। इसको हमें छानना है, तो ये बीज जो दिख रहा है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको छान लेंगे। और इसमें हम हमारा जो मसाला देखिए बना था हमने पहले बनाया था ना इसको, तो इसको हमें क्या करनी है, सारे इकट्ठे नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसको ना टेस्ट कर लीजिएगा आप, क्योंकि ज़्यादा फिर हो सकता है ना, ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये मिक्सचर को हम छान लेते हैं। यहाँ पर मैं देखिए कांच की बड़ा सा बाउल ली हूँ और इसमें हम ये मिक्सचर को छान लेते हैं सारा।
ये देखिए, ये जो नींबू के जो हमने रस निकाला था ना, तो देखिए इसके बीज भी आ गई है और जो भी इम्प्योरिटी है होंगे ना वो सारे आ गए हैं इसमें। और हमारा ये देखिए शरबत अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। आइए फिर इसे कैसे सर्व करते हैं वो हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ना हम इसमें आइस डालेंगे। अब इसमें ना हमारी जो पुदीना वाला लिक्विड है उसको डालते हैं। दोनों ग्लासेस में देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा सा कम रखी हूँ और इसमें थोड़ा हमने ठीक ठाक ऊपर तक रखे हैं। और इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो हमारा जो चाट मसाला और जो भुनी हुई जीरा सारे हमने एक मसाला बनाया था उसको मैं इसमें थोड़ा कर डाल रही हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, जो रायते के लिए बूंदी आते हैं ना इसको डालेंगे। ये टेस्ट में भी बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें क्या करेंगे, हमें पुदीने के पत्ते से हम थोड़ा इसको गार्निश कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने जो हमारे जो लिक्विड डाले थे ना इसको हम आधे रखे हैं क्योंकि इसमें हम ना एक चीज़ डालेंगे जो कि सबसे ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको, ये है सोडा। इसमें मैं डालती हूँ, दो तरह की शरबत देखिए, पुदीने के पत्ते और नींबू से बनी हुई हमारी ये शरबत बन के तैयार हो चुकी है। पूरी गर्मी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, इसको महीनों तक स्टोर करके आप रख सकते हैं और कोई गेस्ट आए तो फटाफट इसमें आप आइस और पानी भी इसमें डाल सकते हैं, आइस और वाटर डाल सकते हैं या सोडा भी डाल सकते हैं, इसको डाल के फिर आप उनको दे सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।